नमस्कार, डोगरी खबरें तुंदा सबने दा स्वागत है। मैनू राधा थ्यालोपा चत्याड़े दे लेखे जोखे उपर। दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय मैदानता मेडिकल सेंटर जम्मू। पिछले मध्य चिरा थमां नौकरी दी मंग गी लेइए प्रदर्शन करा दे बीएसएफ ते सीआईएसएफ उम्मीदवार पासिआं अज भी अपनी मंग गी लेइए प्रदर्शन कीता गया। प्रदर्शनकारियां तबी पुल बंद करिए नारेबाजी कीती ते सरकार दे लई नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों गलाया कि पिछले मते चिरा थमां नौकरी की मंग की लई है सड़कें उपर न ते पर सिवाय जकीन दे उनेंगी हाली तक किश भी नहीं लभ्या। इस दौरान पुलिस बल के कन्ने प्रदर्शनकारियों की धक्का मुक्की भी हुई ते कई प्रदर्शनकारियों की हिरासत च भी लाता गया। जो है वो देख सकते हैं किस तरीके से लाठी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये देखिए इस तरीके से खदेड़ा जा रहा है, यहाँ से गिरफ्तारी करने की गिरफ्तार किया जा रहा है। यहाँ पर किस तरीके से घसीटते हुए यहाँ से ले जाया जा रहा है, ये तस्वीरें। डोगरा सदर सभा के प्रधान ते डोगरा सहायता केंद्र के चेयरमैन ठाकुर गुलचैन सिंह चाड़क ने अज बड़ी ब्राह्मणा दे डोगरा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, डोगरा लॉ कॉलेज ते डोगरा डिग्री कॉलेज के विद्यार्थियों की मास्क ते सैनिटाइजर बंडे। ठाकुर गुलचैन सिंह चाड़क ने इस मौके उपर गलाया कि भले गए कोविड महामारी घट हो गई है मगर सानू सबने की कोविड SOPs का लगातार पालन करना होगा। ये क्या करना है हमने इससे बचने के लिए, आज से गवर्नमेंट के फैसले के मुताबिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खुल रहे हैं पूरी स्टेट के अंदर। और आपको पता है कि इसमें इसका जो वायरस का जो बड़ा ज़बरदस्त खतरा था, थोड़ी उसमें कमी आई। लेकिन कमी उस मैं कहता हूँ कि उसमें उसका बड़ा कारण ये है कि लोगों के अंदर इस वक्त अवेयरनेस है। भाजपा सांसद जुगल किशोर शर्मा पासिया परिसीमन आयोग की सुचेतगढ़ ते आरएसपुरा विधानसभा सीट की बख बख करने संबंधी दर्ज कराई गई दी आपत्ति ते दिते गए सुझाव दा बाजार एसोसिएशन आरएसपुरा ने स्वागत किया। आरएसपुरा च आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान एसोसिएशन के प्रधान सचिन चोपड़ा ने गलाया कि वह इस चाली की कार्रवाई का स्वागत करते हैं। पत्रकार वार्ता के दौरान एसोसिएशन के बाकी सदस्य भी मौजूद रहे। अपना लोगों ने सब कुछ बताया है, इसलिए डिलिमिटेशन के लिए जो हमारे साथ किया गलत किया है, मगर BJP वालों ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि हमने जो कदम उठाए हैं, जो आपने रिपोर्ट दी है कि ये अलग ही है, जिन्हें नहीं करनी चाहिए, जे इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है डिलिमिटेशन वालों को दी है। पर्यावरण ते वेस्टलैंड डेवलपमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड नगरोटा दी पासिया अज KL सैगलाल च एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिस दौरान सोसायटी की जनरल बॉडी बैठक का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम च BJP नेता दविंदर सिंह राणा मुख्य प्रोणे के तौर पर मौजूद थे। 1992 में ये बेड़ा उठाया था, मुझे याद है, और आज ये इतना फला फूला और मुझे खुशी है कि उनका प्रजन जो है पारस सानी आज इस बेड़े को आगे ले जा रहा है। मेरे बुजुर्ग और मेरे मार्गदर्शक मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में पंडित रामेश्वर दास जी भी इसके डायरेक्टर हैं। पंडित रामेश्वर दास जी भी बड़े एक सुचारू तरीके से काम करने वाले बड़े समझदार और बड़े मशहूर और मारूफ हस्ती हैं, तो ये डायरेक्टर हैं। जम्मू सिख प्रगतिशील मोर्चा दे रवि ग्रंथी सभा समेत आज मती सारी गिनती चो सिख संगठन ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिदे तहत उन्हें कालूचक दे गुरुद्वारे च एक सेवादार उपर होए हमले का मुद्दा चुकया ते गलाया कि पुलिस ने इस संबंध च कोई कार्रवाई नहीं की है। कालूचक संतोख विहार ने गुरु साहब की सेवा करते हैं, भाई रंजीत सिंह जी, भाई रंगील सिंह जी, 19 तारीख को सुबह जब ये गुरुद्वारे में 5:15 बजे अपनी ड्यूटी देने के लिए वहाँ आते हैं, अपनी गाड़ी को उस गुरुद्वारा साहब के बाहर खड़ी करते हैं, कुछ शरारती अंसर पीछे से एक 800 गाड़ी लेकर और एक बाइक लेकर आते हैं, इनकी गाड़ी बाहर खड़ी है, पत्थर मार के इनकी गाड़ी के शीशे तोड़ के चले जाते हैं। आयुष मंत्रालय दे पास है अज ब्लॉक मीरा साहब दी पंचायत कोठली शादुल्ला च एक रोजा मेडिकल कैंप दा आयोजन किया गया, जिदे च लोगों की मुफ्त दवाइयां बंडने दे कन्ने गए उनेंगी कोरोना महामारी दे बचाव दे उपाय दे बारे च जागरूक बनाया गया। इस मौके उपर पंचायत दे सरपंच बद्रीनाथ शर्मा मुख्य रूपा कन्ने मौजूद है, जिन्हें कैंप दा उद्घाटन करिए लोगों च दवाइयां बंडियां। कोठली शादुलों में आज आयुष डिपार्टमेंट की तरफ से एक बड़ा कैंप उन्होंने आयोजन किया, ऑर्गेनाइज किया, जहां पर मैं पहले आयुष डिपार्टमेंट का दिल से गहराई से शुक्रिया अदा करते हुए डॉक्टर साहब का डिस्ट्रिक्ट जो ऑफिसर है हमें जम्मू उनका भी दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं, और डॉक्टर साहब
जय डॉक्टर कविता जी हैं, डॉक्टर दीपिक जी जो आयुष डिपार्टमेंट से तलक रखते हैं, ये भी जहाँ पर लोगों की सेवा करने के लिए जहाँ पर पहुंचे। भाजपा के वरिष्ठ नेता बलदेव सिंह बलोरिया ने गांधीनगर विधानसभा दे लाके वार्ड नंबर 56 ओल्ड गंग्याल च विकास कामे की शुरू करवाया। इस मौके उपर बोलते हुए उन्हें गलाया कि गंग्याल च विकास के काम लगातार जारी न ते उनका इहे प्रयास है कि लोगों तक ये सहूलत पुजी जान। हमने विकास के कार्यों को लगातार कर रहे हैं। आज हमने जहाँ पे गंग्याल वार्ड नंबर 56 के ओल्ड गंग्याल जो है जहाँ उस विकास कार्यों का काम शुरू किया है, जिस तरह लोगों को बिजली, पानी, सड़क, नालियाँ, छोटे मोटे काम सभी करने का प्रयास कर रहे हैं। एक गंग्याल को जो मैंने लोगों से एक वायदा किया था कि आपको अच्छा मॉडल और साफ़ सुथरा वार्ड दूंगा, उसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। लगभग मेरे वार्ड में डोर टू डोर कलेक्शन 100% हो रही है। लगातार तकरीबन मेरी नालियाँ गलियाँ जो कंप्लीट हैं, कुछ छोटे मोटे काम बचते हैं, वो भी जल्दी हो जाएंगे। अज्जे दी डोगरी खबरें च बस इन्ना गै, ते इजाजत, नमस्कार।